तीन दिवसीय योग शिविर का समापन उमड़े हजारों योग प्रेमी। पिछले तीन दिन से शहर के आदित्य विहार तेरापन नगर में चल रहे योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर में शहर योगमय हो गया है। पहले दिन बारिश की भेंट चढ़ा शिविर, दूसरे दिन सुबह ही पहली किरण के साथ नियत स्थान पर लोग प्रारंभ हुए। 4 वर्षीय नन्ही बालिका तक्षवी सोनानी के गाए हुए शिव तांडव श्रोत पर वहां उपस्थित लोगों ने योग किया। हालांकि रात की बारिश ने मैदान पर अपनी छाप जरूर छोड़ी। दोपहर में योग गुरु स्वामी रामदेव माधव गो विज्ञान अनुसंधान नोगावा पहुंचे, जहां संस्थान के संरक्षण डीपी अग्रवाल और अध्यक्ष राजकुमार बम्ब और उपस्थित महिलाओं ने तिलक लगाकर शोलो दुपट्टा उठाकर उनका स्वागत किया। वहां पर स्वामी रामदेव जी ने गो पूजन कर गायों को लापसी खिलाई और पूरी गौशाला का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम अध्यक्ष गोविंद सोडानी ने बताया कि आज सुबह स्वामी रामदेव द्वारा भगवान महेश की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन पुष्प और मालार्पण कर सभी को महेश जयंती की बधाई दी। बाद में शिविर के समापन में अब तक 300 योग शिविर लगाने वाले प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा के साथ ही विभिन्न संगठनों के लगभग 400 कार्यकर्ताओं का आयोजन समितियों ने सम्मान किया। इन तीन दिनों में योग के साथ ही शिविर स्थल पर पतंजलि वेलनेस के अनुभवी वैद्य द्वारा भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से सैकड़ों लोगों को निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्रदान किया गया। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। का 3 दिन का शिविर शानदार, यादगार, ऐतिहासिक रहा। स्वास्थ्य की एक नई चेतना का संचार हुआ है। अभी वस्त्र नगरी और उद्योग नगरी के साथ साथ में योग नगरी, अध्यात्म नगरी, सनातन नक्की नगरी बन गई है। तो वैसे ही ये गो गंगा गायत्री के उपासक यहाँ पर लोग हैं। आज महेश जयंती भी है और ये बड़ी बात है। यहाँ महेश्वरी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, वैश्य क्षत्रिय सब जाति सब समाज के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। योग ने और सबको करीब ला दिया है। एक बहुत ही स्वर्णिम यादगार यहां से लेकर के जा रहा। आप 17 साल बाद आए यहां पर, आपको कैसा लगा, क्या बदलाव आया यहां पर? भीलवाड़ा पहले से ज्यादा हरा भरा है, पहले से ज्यादा खुशहाल है, पहले से ज्यादा प्यार मोहब्बत है और हम अपने दिल में भीलवाड़ा को लेकर के जा रहे हैं। इतना सुंदर है यहाँ की जनता के लिए। एक मैसेज हो गया।